क्या बताऊं, आज मेरा नवा नवा गौना आया है, क्या बताऊं दीदी। एक औरत का दर्द औरत ही समझती है ना, बस इनको पिए की रहती है। आज मेरी सुहाग रात है, मेरा कोई भी ख्याल नहीं है। आज आएंगे ना तो मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी। चलो इंतजार करती हूँ इनका। हेलो, क्या बताऊं दोस्तों, मुझे काफी देर हो गई यार, दोस्तों के साथ मैं इतना बिजी हो गया कि मैं अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रखा। आज मेरा नया नया गाना होकर के आया है, मैंने अपनी पत्नी से मुलाकात भी नहीं किया। चलकर मिलता हूँ, नाराज तो बहुत होगी, लेकिन देखता हूँ मनाऊंगा। मास्टर अर दीवाना पूछ ले। घर में क्या कर रही है, क्या बात है, बहुत नाराज बैठी हो। वाह, मास्टर क्या बात है, अरे तुम्हारे प्यार ने देवी, अरे तुम्हारे प्यार ने देवी, अरे दीवाना मुझको कर डाला तुम्हारे प्यार। बिजी हो गया तो इतना नहीं नाराज हुआ जाता। मास्टर अरे कौन सी ये अरे अदा जिसने मारा मुझे, कौन सी ये अदा अरविंद जेस, दिखा
दिनेश भैया यानी केशवपुर यानी जिला फतेहपुर, उनकी ओर से इस सीन को कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। कहते मान सिंह भाई थोड़ा हिम्मत से और ताकत से। बहुत बहुत खूब मेरी जान, इसका मतलब नहीं मानोगी। मैं जानता हूं कि हर औरत के दिल में दर्द होता है, लेकिन चलो मैं यार दोस्तों के साथ थोड़ी देर बीती, क्या हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा नाराज हो। मास्टर अरे हटा लो रू से चिलमन, अरे मिलन की आज ना है, हटा लो रू कुछ मेरी ख्याल ही नहीं रहती है। मैंने तुमसे कह दिया। हेलो आर्य आ गई, महेंद्र भैया यानी महेंद्र सिंह यादव यानी सिमरन निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। उनका यानी फरमाइश मांगते हैं, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, और सुना दीजिए साथिया नहीं जाना कि जी। और ये मौसम है सुहाना, और कि जीना लगे, और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना। हेलो धन्ये और ये गई हमारे यानी मानसिंह की बहन यानी रेहरा वाली दीदी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हमारे भैया और भौजी चपक के प्यार कर रहे थे, प्यार मोहब्बत में 11 रुपया दे थे। हेलो मैडम जी, क्या बात है, समय कम है काम ज्यादा है, इसलिए आरी आ गई यानी हमारे मान सिंह मास्टर की अम्मा यानी रेहरा वाली, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। बेहद ये प्यार मोहब्बत में खुश होकर सभी लोग रुपया दे रहे हैं। हमें प्यार मोहब्बत में खुश हो के कालिया मेहरिया का बोला लाई जाए मेरी जान। आओ अंदर चलकर आराम करते हैं। चलिए स्वामी, उसके बाद जो सुबह होगा देखा जाएगा। ठीक है स्वामी, चलिए। अरे तुम दिल की अर्धड़कन में रहती हो, रहती हो। उसकी इतने बड़े हिम्मत, साला ब्याह करके लाया, गाना करके लाया, अपने मेहरिया का मोरे घर ना भेजी। उसकी इतनी बड़ी औकात कि सार मिल जाए तो मारत मारत मुता दे, हम मुता के फिर मारी हूं। आ लंबर रे ए भैया,
भैया आता है चली मान सिंह के घर तय दारू सौ सौ ग्राम पिया भाजी हर हो सौ ग्राम लाई ले चल चला सौ सौ ग्राम ये सामने मकान श्यामू का है सामने और देख दरवाजा बंद है हाँ हाँ लंबरी जा दरवाजे के पास से आवाज दे मकान में है या नहीं ठीक ठीक मैं अभी आवाज दे दे भैया आवाज लगा भैया तो तारे का बहन आवाज लगावत हो लगा लगा आवाज या सार जाओ 14 दिन की पूरी रखे हो सारे का सब खाट हाँ लगा आवाज सार बताओ नेवता तक न दीस खाए का अबे गौना करा के लावा सार पूछी सुना छोट मोट का का हाँ पंच पूरी खाए दो दो पूरी खाए का बे उहार न दे का हराम में खाए मैं क्या मान की छोड़ मा सारे हो का 5 रुपया से ज्यादा आवाज आवाज लगाओ ए लौंडे बैठ मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता पढ़ सकता है ओ सेमुआ कौन है बे मैं सारे बेटे से बात के मारियो छोला दे हग मारे अबे मेरे जूतों में पॉलिश हो गई है यहाँ परेशान मत करो अरे क्या पकड़ो नौकरी वो करी हमारे गांव में हम ना करब और अब हम यहाँ चला हुआ क्या चालक मेरे पुत्र ने पॉलिश हो गए मुझको चीज संभाल लिया चमार बना लिया मैं चमार हूँ अबे सोचता होगा कोई मोची है हम ना करब तुमका ठीक से आवाज लगा ठीक से आवाज लगा अम्म तुम्हार मुआ निहार के लगा दे तो लगाया ए सबुआ यार मैंने कह दिया मेरे कपड़े धुल गए मुझे नहीं धुलवाना लामरी हम ना कर पर हम जाए थे जा बताओ सर बताए कि क्या बोल रहा है साला माई का धोबी बना ले का तम और कपड़ा धुल गए हम धोबी आई का जाओ जाकर कह दो कितने मकान पे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का दोस्त धर्म सिंह आया हुआ है और देखिए ये आ गई यानी जिस बच्चे के उपलक्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है उस बच्चे की यानी मौसी यानी महोबा वाली हमारे मान सिंह भैया की यानी सड़वाइन जी उनकी ओर से इस सीन को वो देखते हुए 21 रुपए देती है महान दया हो गए ओ सेमुआ सेमुआ क्या है भाई कौन हो बाहर निकाल दे कौन नहीं तो सारे धुराया ही क्या बात है बाहर निकाल के देख हाँ। तोरे दरवाजे सारे लामरिया है अरे ठीक है मैं तुरंत तत्काल बाहर आ रहा हूँ तोरी माता छौकी दाल मारू सारे निकाल तो सारे निकाल सारे ठाकुर साहब को नमस्कार हो नमस्कार का खंडे का चवाई है बता सारे धोबी आई श्यामो आपको पहचान नहीं पाया मार रही हम नहीं पहचान पाया क्या बात है ठाकुर साहब मकान के अंदर बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा डांस समझता है नहीं ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं है अगर कोई बात होती मेरे पास संदेशा भेज दिए होते मैं आपके पास खुद चलकर आ जाता किसी की आवाज को नहीं पहचानता नहीं और सोच में आया वही वक्त है मैं नहीं पहचान पाया ठाकुर साहब माना कि तू इस समय किसी दूसरे मस्ती में मस्त है खैर कोई बात नहीं लेकिन श्यामू हाँ शायद तुझे ये अफसोस होगा कि आज तक के ठाकुर कभी तेरे मकान नहीं आया यही तो मुझे अफसोस है कि आज क्या बात है जो ठाकुर साहब खुद चलकर मेरे पास आए हैं हाँ क्या बात है और किस लिए तेरे मकान
पे हम लोग आए हैं। कौन सी बात है ठाकुर साहब? कान के पर्दे खोल और सुन हमारी बात। श्यामू। हाँ ठाकुर साहब।